हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमेय क्लासेस। माई सेल्फ कौस्तुभ छत्रे, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेसन नंबर जो हमारा चल रहा है, लेसन नंबर 4। उसका जो सेकंड पार्ट है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले हमें देखना है कि फ्यूज़ यानी कि क्या होता है। तो सबसे पहले आपका टेक्स्ट बुक में एक इमेज आपको दी है, बहुत टाइप के आपको फ्यूज़ दे के रखे उन्होंने। तो फ्यूज़ मतलब क्या हुआ, क्या होता है, आपने भी सुना होगा शायद, 9th में हमने ये पढ़ा भी है। तो फ्यूज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक डायग्राम निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले तो एक सर्किट डायग्राम निकालते हैं। सर्किट डायग्राम में आपको पता ही होगा कि हम पैरेलल कनेक्शंस यूज़ करते हैं, जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो हम लगाएंगे सबसे पहले एक लैपटॉप, फिर हम लगाएंगे एक टीवी, और लगाएंगे एक नॉर्मल सॉकेट जो हमारे घर में होता है। अब हम क्या करेंगे, एक फ्यूज़ लेंगे। फ्यूज़ की याद रखना रेटिंग होती है, हर फ्यूज़ की रेटिंग होती है, रेटिंग यानी कि वैल्यू होती है। तो हम 3 एम्पियर का फ्यूज़ लेंगे, 3 एम्पियर का फ्यूज़ लेंगे। तो जब तक अभी करंट चल रहा है, ये जो ब्लू कलर का आप देख पा रहे होंगे, ये करंट है, ये करंट चल रहा है। जब तक ये 3 एम्पियर से कम करंट चल रहा है, मतलब 2 एम्पियर चल जाएगा, 2.5 एम्पियर चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब तक 3 एम्पियर ये हिट नहीं होगा, तब तक वो फ्यूज़ एकदम बराबर उसका काम करते रहेगा। लेकिन क्या होता है, कभी कभी फ्लक्चुएशंस आ जाते हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाता है, या फिर कोई बहुत होशियार लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, सॉकेट में अपनी उंगली डाल देते हैं। तो क्या हो सकता है, उससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम ये होगा कि करंट कभी कभी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, और एक करंट इंक्रीज़ हो गया है तो क्या क्या हो सकता है वो हम देखेंगे अभी। तो सबसे पहले अगर करंट इंक्रीज़ हुआ, और अगर करंट जो आपका रेटिंग है फ्यूज़ का 3 एम्पियर से आगे चला जाता है, सबसे पहले तो क्या होगा, आपका लैपटॉप चला जाएगा, आपका टीवी उड़ जाएगा, और ये जो लड़की है उसके साथ क्या होगा वो तो आप जानते ही हैं। तो इस सबको टालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो फ्यूज़ है ये मेल्ट हो जाता है, ये जो फ्यूज़ मेल्ट हो जाता है, और सब चीज़ें क्या होती है, बच जाती है। मतलब आपका जो लैपटॉप है वो भी नहीं जाएगा, आपका जो टीवी है वो भी नहीं जाएगा, लड़की के साथ भी कुछ भी नहीं होगा। तो फ्यूज़ आपकी जान भी बच जाता है। गलती से अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए, या किसी गलती से अगर किसी का हाथ लग जाए सॉकेट में, तो क्या हो सकता है, वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होके किसी की जान भी जा सकती है। इसलिए फ्यूज़ क्या करता है, आपकी इक्विपमेंट्स को भी बचाता है और आपकी लाइफ भी बचाता है। लेकिन प्लीज़ इसे घर पे ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि आपके घर का फ्यूज़ की क्वालिटी और उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। तो नेक्स्ट टॉपिक को बढ़ेंगे हम, वो है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी ये जो है ये नया टॉपिक है यहाँ से, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी हमें याद रखना है, जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा वायर में से, तो वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली तैयार हो जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि क्या, तो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि रीजन अराउंड अ मैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि जो भी आपके पास मैग्नेटिक मटेरियल होगा, मैग्नेटिक, आप नॉर्मल मैग्नेट को ले लीजिए, तो मैग्नेट में ये जो आप लाइंस देख पा रहे होंगे, ये है मैग्नेटिक फील्ड। ये जो है नॉर्मल अपना बार मैग्नेट है, और उसमें ये जो लाइंस है ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो जब भी कोई भी वायर हो आपके पास, वायर हो, कंडक्टर हो, उसमें जब भी करंट आता है तो उसमें हमेशा मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी, हमेशा। आप कौन सा भी चार्ज लो, छोटा लो, बड़ा लो, कौन सा भी आप सेल लो, बैटरी लो, लेकिन जब भी करंट पास होगा तब एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अब देखने वाली बात यह है कि करंट की डिरेक्शन हमेशा होती है। हमने आज तक देखा है कि करंट की क्या होती है, डिरेक्शन होती है। तो जैसे करंट की डायरेक्शन होती है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन होती है। तो अभी सवाल ये उठता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करें। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास एक रूल है, राइट हैंड थंब रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में पूछते हैं इसे, और आपको ये लिखना पड़ता है। और प्लीज़ इसमें एक डिस्क्लेमर भी है आपके लिए, और वो है कि प्लीज़ आप अपना राइट हैंड ही इस्तेमाल कीजिए, प्लीज़ लेफ्ट हैंड इस्तेमाल मत कीजिए, वरना ये रूल वर्क नहीं करता। तो ये जो है, ये फ़ोटो आपको दी रखी है उन्होंने टेक्स्ट बुक में, तो इसको हम ज़रा अभी ज़्यादा अच्छे से देख लेंगे क्या होता है। तो इसमें क्या करना है आपको, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जो भी वायर हो आपके पास, वो वायर का आपको राइट हैंड में पकड़ना है,
और राइट हैंड में ऐसे पकड़ना है कि जो भी करंट की डायरेक्शन है, इस डायग्राम में हमने दिखाया है कि करंट की डायरेक्शन ऊपर जा रही है, तो आपको थंब जो है वो हमेशा ऊपर की तरफ ही पॉइंट होगा। तो अगर थंब ऊपर ऊपर की तरफ पॉइंट होगा तो आपके जो कर्ल फिंगर्स है, कर्ल फिंगर्स यानी कि जो आपके चार फिंगर्स है, वो जिस डायरेक्शन में घूम रहे हैं उस डायरेक्शन में क्या होगी, आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये है आपके मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन और डायरेक्शन। तो अगर आपकी वायर हॉरिजॉन्टल होगी और राइट की तरफ जा रही होगी तो फिर भी आपको राइट हैंड इस्तेमाल करना है और ये आपको आपकी डायरेक्शन मिल जाएगी। वैसे ही अगर जो वायर है उसमें जो करंट है वो अगर लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा होगा तो आपकी डायरेक्शन आपको मिल जाएगी, सिर्फ आपको राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल करना है और आपको देखना है कि कहाँ जाता है। इसमें थोड़ा सा आपको आढ़ा टेढ़ा होना पड़ेगा, लेकिन आप राइट हैंड का ही इस्तेमाल करेंगे। अगर नीचे की तरफ करंट जाता है वायर में तो भी हम राइट हैंड इस्तेमाल करेंगे और ये डायरेक्शन आपको बहुत ही आसान तरीके से मिल भी जाएगी। तो अब हम करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स करेंगे। ये जो है ये हमारे पास एक सिंपल बार मैग्नेट है जिसमें नॉर्थ और साउथ दो डायरेक्शंस है, दो पोल्स है। अब होता क्या है कि नॉर्थ की तरफ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं उसे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाते हैं और साउथ को ये अंदर की तरफ आते हैं। ये प्लीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ये हमको लगने वाला है। फिर से एक बार मैं बताता हूँ आपको, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाती है और साउथ को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आती है। तो इसके बाद एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर वायर सर्कुलर होगी तो क्या होगा। अगर आपकी जो वायर है वो हमने अभी तक स्ट्रेट रखी थी, अगर वो सर्कुलर होगी तो क्या होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक सर्कुलर वायर लेनी पड़ेगी। ये सर्कुलर वायर है हमारी। सर्कुलर वायर में ये जो ब्लू कलर के एरोज है ये हमारी करंट की डायरेक्शन है। करंट की डायरेक्शन आप देख पा रहे होंगे। तो कुछ नहीं करना है, हर पॉइंट को आपको राइट हैंड थंब रूल यूज़ करना है। हर पॉइंट को, जहाँ से भी आप करंट देख पा रहे होंगे, हर पॉइंट को राइट हैंड थंब रूल यूज़ करना है और बहुत ही आसान तरीके से आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगा। ये जो रेड कलर के सर्कल्स है ये मैग्नेटिक फील्ड है। देखना, ये बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि आपकी तरफ से स्क्रीन की तरफ जा रहे हैं, स्क्रीन के अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से एक बार ये जो डायग्राम है मैग्नेटिक अपना बार मैग्नेट का जो डायग्राम है वो हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे कि नॉर्थ से बाहर जाती है और साउथ को अंदर आती है। तो अभी फिर से अगर हम सर्कुलर इसमें देखें तो हम एक मैग्नेट निकालेंगे और ये मैग्नेट हम ऐसे निकालेंगे कि ये इमेजिनरी मैग्नेट है, ये सचमुच का मैग्नेट नहीं है, ये इमेजिनरी मैग्नेट है। तो अब आप देखिएगा कि बाहर की तरफ से अंदर जा रहा है, इसके लिए ये साउथ पोल होगा, और स्क्रीन के अंदर से वो बाहर जब आएगा तब वो नॉर्थ पोल होगा। यानी कि आपका जो सर्कुलर कॉइल आपने जो अभी बनाई है, वायर सर्कुलर वायर है, तो वो एक मैग्नेट की जैसे काम करेगा। आपके लिए एक अच्छा सा डायग्राम टेक्स्ट बुक वालों ने भी दे के रखा है, तो इससे भी आपको एक बहुत अच्छी तरीके से आइडिया मिल जाएगी कि कैसे चल रहा है। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने भी डायग्राम दिया है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट थ्रू अ लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर। तो उन्होंने लूप कहा है इसे सर्कुलर वायर को। अब हम आगे बढ़ते हैं और करेंगे सोलेनॉइड के बारे में। अब सोलेनॉइड कुछ नहीं होता है, सिर्फ यही होता है, यहाँ हमने एक सर्कल मतलब सर्कुलर वायर ली थी। सोलेनॉइड में हमें क्या करना है, बहुत से सर्कुलर वायर्स लेनी, मतलब जो कॉइल हमने किया था पिछले वीडियो में, तो वो कॉइल हमें लेनी है, वही है हमारा सोलेनॉइड। आपके लिए एक बहुत अच्छा डायग्राम मैंने ढूंढ के निकाला है। ये देखिए, ये जो डायग्राम है ये एक सोलेनॉइड है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक कॉइल है। कॉइल में क्या किया है उन्होंने, करंट लगा दिया है, और करंट लगाने के बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे N और S यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल्स जो है वो जनरेट होते हैं। और इसी प्रकार से हम ये टॉपिक अभी यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इतनी ही बात करेंगे। जो अगला वीडियो होगा हमारा उसमें हम DC मोटर की बात करेंगे, AC जनरेटर की बात करेंगे, जो फ्लेमिंग्स के जो रूल्स है उसके बारे में बात करेंगे। ऐसे ही आपके लिए मैं एनिमेटेड वीडियोज़ लेके आऊँगा,
और आपको अगर ये समझ रहा होगा वीडियो में से, तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।